फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन जैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ आया था लगभग मार्च के अंदर, और कंटिन्यूस स्टॉक के भी अंदर जो है काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली है। और अब इसके जो है रिजल्ट्स आए तो काफ़ी लोगों ने खरीद के भी रखा है और काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले इनके रिजल्ट देखिए, उसी के बाद जो है डिसाइड करिएगा। और ये कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, 317 के ऊपर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, और इसका लो देखेंगे तो 265 का है और हाई 428 का। जो लो है वो हाल ही का है, और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो अक्टूबर में इसने लो बनाया था लगभग 22-23 अक्टूबर को, और उसके बाद जो है फिर थोड़ा उछाल देखने को मिला है। और ये अगर देखेंगे तो 5830 इसका मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 7 रुपीज़ के करीब इसने डिविडेंड भी दिया है। लेकिन इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक के अंदर थोड़ा रुकना चाहिए, और 250 के करीब अगर आता है तो उस वक्त जो है 250-260 के करीब लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इस स्टॉक को देख सकते हो। इसका अगर आप सेल्स का टर्नओवर देखेंगे तो मार्च सितंबर क्वार्टर के अंदर टोटल रेवेन्यू था इसका 629 करोड़, और जून क्वार्टर के अंदर 570 का था टोटल रेवेन्यू अदर इनकम्स वगैरह मिला के, और 2017 की बात करेंगे तो 928 करोड़। मींस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा रेवेन्यू 2017 से भी कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे इसका और टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो 128.33 करोड़ का है, और जून क्वार्टर के अंदर 81 करोड़ का था और 2017 के क्वार्टर के अंदर 66। तो दोनों क्वार्टर से काफ़ी कम इसका नेट प्रॉफिट आया है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अगर आपको लेना है तो थोड़ा और वेट करिएगा, और नीचे के लेवल पे अगर मिलता है तो वो एक अच्छा मौका बन सकता है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। 250 के करीब अगर आता है, 250-240-260, तो थोड़े थोड़े करके स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये अभी जिस हिसाब से इनके रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट्स डाउन हुए हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है रिजल्ट्स अच्छे आए तो बीच में अगर गिरावट मिलती है तो उस टाइम थोड़ा आप स्टॉक ले सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बोलना था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।